अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ में मैं हूँ आपके साथ तैयबा कमल। नाज़रीन, अपनी मेहनत अपने हाथ का एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि आपके हाथों में जो हुनर है उसमें निखार पैदा किया जाए, आपको सिखाया जाए वो सब कुछ जिसको आप सीखने की ख्वाहिश रखती हैं। इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये है कि वो खवातीन जो घरों से बाहर निकलकर सीख नहीं सकती हैं, वो अपने घरों में बैठकर सीखें और रोजगार के नए मौके हासिल करें। तो नाज़रीन, इसी तरह आज हम आपके साथ सनतजार की एक नई क्लास में मौजूद हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास, जहां पर हम सीखेंगे कि नई नई चीजें कैसे बनाई जा सकती हैं, घरों में पड़ी हुई फालतू अशिया का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम एक स्टूडेंट से मिलेंगे, वो आपको बताएगी कि वो यहाँ पर क्यों आ रही है और उसका बेसिक मकसद क्या है। इसके साथ यहाँ की टीचर में सिद्रा से मिलेंगे और वो आपको बताएंगे कि उनके हाथों में क्या क्या हुनर मौजूद है। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिदा है और मैं रायविंड से आती हूँ। मेरा यहाँ इस इदारे में आने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि मैं डिफरेंट यहाँ पे जो चीज़ें हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में वो सिखाई जाती हैं, उनको मैं सीख के अडॉप्ट करके तो इसको मैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे इस काम को लेके जाना चाहती हूँ। और एज अ मदर आई थिंक बच्चे इग्नोर नहीं होते इस काम से, आप घर के अंदर काफ़ी चीज़ों को बना के आइडियाज़ जो है उनको अप्लाई करके मार्केट में अपनी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। और आई थिंक डिफरेंट प्रोफेशन है लेकिन कंपेयर डिफरेंट प्रोफेशन इट इज़ वेरी बेटर। मेरा आप लोगों को ये मैसेज है कि प्लीज़ आप इस काम को ज़रूर सीखें ताकि आप अपनी फैमिली को घर बैठ के सपोर्ट कर सकें, स्पेशली वो लेडीज़ जो घर से बाहर नहीं निकल सकती और उनके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स हैं घर से निकलने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ। यहाँ आप एक स्टूडेंट से मिले और आपने जाना कि वो यहाँ क्यों आती हैं और उनके यहाँ आने का बेसिक मकसद क्या है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ, जहाँ आप सीखेंगे कि फूल कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले हम सिद्रा के पास चलेंगे, वो हमें बताएंगे कि फूलों का मटीरियल कहाँ से खरीदा जाता है और उनकी क्लास में क्या क्या कुछ सिखाया जाता है। तो आए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद है मिस सिद्रा, जो हमें बताएंगी कि वो अपनी क्लास में क्या क्या कुछ सिखाती हैं और आज वो हमें क्या सिखाने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, बताइए अब अपनी क्लास में क्या क्या कुछ सिखाती हैं। मेरा नाम सिद्रा है और मैं एज ए फाइन आर्ट टीचर हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट ले रही हूँ। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ स्किल्स दे रही हूँ जिसमें होम मैनेजमेंट, होम इंटीरियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट है। आर्ट एंड क्राफ्ट में मुख्तलिफ मटेरियल की चीज़ें यूज़ होती हैं, आर्ट से रिलेटेड हो गया, फ्लावर्स मेकिंग हो गया, मिरर्स का काम हो गया। तो मैम, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आती हैं उनके आने का और आपके सिखाने का बेसिक मकसद क्या है? हमारा बेसिकली जो हमारे अदारे का मकसद है वो ये कि हम स्टूडेंट्स को ऐसी स्किल्स दें जो उनके लिए अर्निंग पॉइंट के लिए फ़ायदा मंद हो, ताकि वो सीख के और अपने, कुछ ऐसी स्टूडेंट्स होती हैं जो गरीब होती हैं जिनका कोई कमाने का जरिया नहीं होता, और हमारा मकसद ज़्यादा ये होता है कि हम ऐसी स्टूडेंट्स को उनको ट्रेनिंग दें कि वो इस काबिल हो जाएं कि वो हमसे काम सीख के तो मार्केट में अपनी चीज़ों को सेल आउट कर सकें। बल्कि हम यहाँ पर जो काबिल हमारी स्टूडेंट्स होती हैं हम उनको एज ए वर्कर अपॉइंट करते हैं और उनको हम यहाँ अपने अदारे से आर्डर वर्क ले के देते हैं जिससे वो अपनी कफालत करते हैं। तो मैम, आज आप हमें क्या सिखाने जा रही हैं? आज मैं आपको फ्लावर्स का लेक्चर दूंगी और फ्लावर्स से रिलेटेड मुख्तलिफ मटेरियल के फ्लावर्स सिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि हम सिर्फ फ्लावर्स को वाजिज या डेकोरेशन में यूज़ नहीं कर सकते, हम उसका इस्तेमाल ज्वेलरी में भी ले सकते हैं, क्लिप्स में ले सकते हैं, बैंगल्स में ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट्स में हैंडमेड ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड है और आज हम आपको फ्लावर्स का इस्तेमाल ज्वेलरी में बताएंगे। तो आए चलते हैं नाज़रीन और सीखते हैं फ्लावर्स से ज्वेलरी कैसे बनाई जा सकती है।
आज हम आपको डिफरेंट मटेरियल से फ्लावर्स सिखाना सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे, जिसमें स्कॉटिंग नेट के फ्लावर्स होंगे, फॉर्मिंग शीट के, और जो रूटीन में यूज़ होने वाली हमारी लेसिस हैं हम उसका इस्तेमाल आपको फ्लावर्स में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है स्कॉटिंग नेट के फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी, और उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है पहले मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगी। इसमें हमारी सबसे पहले होती है वायर। ये वायर हमारी इस तरह की होती है, आम वायर, ये बहुत आसानी से आपको बाजार से मिल जाएगी। इस तरह की हमारी वायर होती है जिससे हम फूलों की शेप देते हैं। एक हमारे फूल बनाने में वायर यूज़ होगी। दूसरा ये स्कॉटिंग नेट होती है, ये आम जर्सी टाइप कपड़ा होता है जो बाजार से बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर उसमें हमारे स्टेमन्स यूज़ होते हैं, स्टेमन्स हमारे कोम्पन बनाने में यूज़ होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसका वायर की शेप बनाना सिखाऊंगी। ये हमने एक वायर ली, वायर कटर हमने लिया, वायर कटर के साथ हमने इतनी वायर कट करनी है फ्लावर्स की शेप देने के लिए। उसके बाद इसको हमने रोल करना है शेप बनाने के लिए। आप डिफरेंट शेप बना सकते हैं, लेकिन जो इसकी बेसिक शेप है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। इसको बनाने के बाद आपने उसके एंड पॉइंट से उसको बिल्कुल बंद कर देना है। बंद करने के बाद ये हम इसलिए बंद करते हैं कि हमने पत्ती की शेप देनी है, फ्लावर की शेप देनी है। अब ये वायर की हमने शेप पत्ती फॉर्म में दे दी है। इससे हम छह पत्तियों का भी फूल बन सकता है, लेकिन बेसिक हम चार पत्तियों का फूल बनाएंगे। अब इसमें हम आपको नेट चढ़ाने का तरीका बताएंगे। ये नेट जो अभी मैंने आपको बताया था कि बाजार से बासानी मिल जाती है फ्लावर्स के लिए, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करेंगे उसके बाद हमने इसका साइज लेना है। जो हमने तार बनाई है उसका साइज लेंगे, इस पे रखेंगे। इस तरह रखने के बाद, क्योंकि अंदाजे से कोई चीज़ काटते नहीं है, कि वो बड़ी हो जाती है, बाजू का कभी छोटी हो जाती है, इसे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमारा इसके चढ़ने में आसानी हो। अब हमने इसको सेंटर पॉइंट में रख के इसके ऊपर हमने नेट चढ़ानी है, और नेट को हमने खींचना है। इसको ज़्यादा नहीं खींचना, अगर हम ज़्यादा खींचेंगे तो हमारी नेट फट जाएगी, क्योंकि नेट नाजुक होती है। इसको चढ़ाने के बाद फिर हमने धागे से इसको नीचे से बांध देना है। अगर कहीं से थोड़ी सी भी नेट निकल जाती है तो वो हमारे फूल की शेप खराब हो जाती है। अब जब ये हमने पेटल्स बना ली, अब हम इसको आपको बाइंड करने का तरीका बताएंगे। बाइंड करने के लिए हमने जो आपको स्टेमन्स बनाए थे वो हमने स्टेमन्स लेने, स्टेमन्स को इकट्ठा हमने जोड़ना है। उसके बाद हमने पहले एक पेटल ले ली, एक पेटल के दरमियान में हमने स्टेमन्स को रखना है, और थ्रेड के साथ हमने इसको कवर करना है। ये सेंटर में हम रखेंगे, फिर इसके साथ इसके ऑपोजिट जो है एक और पेटल लगानी है हमने। इसको राउंड में हमने इस फ्लावर्स को कंप्लीट करना है, के चारों तरफ घुमा के हमने पत्तियां लगानी है ताकि इसके फ्लावर की शेप अच्छी आ सके। ये देखें, ये हमारे स्टेमन मिड में होंगे, और ये हमारा बेसिक फोर पेटल्स का एक फूल तैयार है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको स्कॉटिंग नेट के फ्लावर्स बनाना सिखाया, अब इन्हीं फ्लावर्स के साथ मैं आपको हैंडमेड रिंग बनाना सिखाऊंगी। ये हमने पेटल्स, आपको एक साइज कटिंग कर देती हूँ मैं सबसे पहले, कि हमने फूल के लिए तो हमने बड़ा साइज लिया, लेकिन रिंग के लिए हम स्मॉल साइज लेंगे। सेम उसी तरह हमने इस पे नेट चढ़ानी है। रिंग्स बनाने के लिए पहले हमने जो बेसिक तीन पेटल्स हैं वो हमने स्मॉल साइज की रखनी है, उसके मिड में हमने मीडियम साइज की, और लास्ट में जो है फोर पेटल्स वो हमने बड़ी रखनी है।
ये हम स्मॉल साइज की बना रहे हैं। स्मॉल साइज की रिंग बनाने के बाद हमने रिंग का नीचे वाला हिस्सा बनाना है, जिससे हमने रिंग को फ्लावर्स को स्टिक करना है। फ्लावर्स को स्टिक करने के लिए हम राउंड बनाएंगे रिंग का। राउंड बनाने के बाद उसकी एक्स्ट्रा हमने कटिंग कर देनी है। जो भी आपका फिंगर का साइज है उसके मुताबिक आपने इसका राउंड बना लेना है। राउंड बनाने के बाद हमने जो स्मॉल पेटल्स हैं वो सबसे पहले लगानी है। ये देखें, हमने इस तरह एक गोल रिंग बनाना है। उसके बाद ये जो पेटल्स हैं हमने उल्टी करके इस तरफ रखनी है। उसकी बैक साइड यानी कि ये फ्रंट साइड जो है हमने नीचे की तरफ रखना है। नीचे रखने के बाद हमने ये, आप डिफरेंट कलर्स में, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही कलर में बनाएं, आप डिफरेंट कलर्स में भी बना सकते हैं। अब हमने इसकी जो फ्रंट साइड है वो नीचे की तरफ की है। उसके बाद हमने पेटल्स को थ्रेड के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। इसके ऑपोजिट हमने पेटल्स लगाते जाना है, एक के बाद दूसरी। और धागे को हमने टाइट बांधना है। जब हमने रिंग को मोड़ना है तो हमारा धागा लूज नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी हमने इसके ऑपोजिट लगानी है। एक स्मॉल साइज रिंग बनाने के लिए हम 4 पेटल्स को यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने बड़ी रिंग बना ली है तो उसके लिए हम जो स्मॉल साइज पेटल्स हैं वो हम 4 लेंगे, मीडियम भी 4 लेंगे और लार्ज भी 4 लेंगे। अभी हम 2 शेड में आपको रिंग बनाना सिखा रहे हैं। ये सारी पेटल्स जो हैं हमने बैक साइड से वायर के साथ स्टिक कर दी हैं। अब वायर के साथ स्टिक करने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं हमने उनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब ये चीज जब हमने फोल्ड करनी है तो ये चीज बहुत जो है वो उभरी उभरी और अजीब सी फील होगी। अब हमने इस चीज को कवर करना है। कवर करने के लिए हमने उसी स्कॉटिंग नेट की कटिंग करनी है। उसको डबल फोल्ड करना है। अगर वो बहुत पतली है तो उसको हमने डबल फोल्ड कर देना है। और डबल फोल्ड करने के बाद वो जो इसका बैक वाला हिस्सा है उसके साथ हमने उसको कवर कर देना है इस तरह, ताकि वो हमारी वायर्स नजर ना आए। और इसको थ्रेड के साथ बांध देना है। अब ये जो हमारी वायर्स नजर आ रही थी वो सारी कवर हो गई हैं। कवर करने के बाद अब हमने ये जो बैक साइड थी, नीचे की तरफ सारी पेटल्स थी, अब हमने इनको ऊपर उठा देना है। ये देखें कि ये जो नीचे की तरफ वायर्स थी अब हमने इनको उठा देना है। उठाने के बाद ये जो आपका बनी हुई है ये चीज वायर्स, इसके साथ हमने कली की शेप देनी है, ताकि हमारा थ्रेड भी छुप जाए और हमारी रिंग की शेप बन जाए फ्लावर में। ये देखें, ये एक कोम्पल की शेप बन गई है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारों को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाना है। अब नीचे से ब्राउन वाली, पहले हमने ब्लू कलर की पेटल्स को ऊपर फोल्ड किया, अब इसके बाद हम ब्राउन पेटल्स को ऊपर फोल्ड कर रहे हैं। और ये देखें, आपकी बैक से आप देख सकते हैं कि कोई आपकी वायर नहीं नजर आ रही, कोई आपका धागा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हमने उनका फ्रंट साइज पहले ही नीचे कर दिया था और वो वायर्स को हम इन पेटल्स के अंदर ले हैं। और ये आपकी एक रिंग कंप्लीट हो गई। पहले मैंने आपको रिंग बनाने के लिए मल्टी कलर्स का इस्तेमाल किया। मल्टी कलर्स में, मल्टी शेड्स में मैंने आपको रिंग बताई। अब मैं आपको सिंगल कलर, एक कलर में, रेड कलर में आपको रिंग बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया हुआ, अब मैं रिंग को आपको बाइंड करना बताऊंगी कि रिंग को बाइंड किस तरह करते हैं।
और ये देखें आपकी बैक से आप देख सकते हैं कि कोई आपकी वायर नहीं नज़र आ रही, कोई आपका धागा नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हमने उनका फ्रंट साइज पहले ही नीचे कर दिया था और वो वायर्स को हम इन पेटल्स के अंदर ले हैं और ये आपकी एक रिंग कंप्लीट हो गई। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ। अगले किस्त में हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, आपको नई अशिया सिखाएंगे बनाना और नए आइडियाज के साथ हाजिर होंगे। आज के इस किस्त में मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।